Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. Next question, next video के साथ आपका स्वागत है। देखिए, अब ये जो question आपके सामने है, 2 number और 3 number, दोनों के एक साथ में complete करा दूंगा, है ना? ये जो question, अगर ऐसा question आपको आता है, तो 2 marks में आएगा, ध्यान रखिएगा। कितना में आएगा? 2 marks में, ठीक? और इसके लिए मैं एक ही language लिखूंगा, और उस लैंग्वेज में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और एक बात आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद दूसरा बात बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही आसान सा होता है, एक स्टेप का क्वेश्चन होता है। जो पिछला क्वेश्चन था रूट फाइव, वो क्या है, डबल स्टेप का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या है, सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें आप एक बार ध्यान देना कि कम से कम रूट टू का, रूट थ्री का, रूट सिक्स का, रूट सेवन का, ये सब का खुद से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस ये कर लेना है। रूट थ्री, रूट टू, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट फाइव, रूट जो भी है ना, आप खुद से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 3 मार्क्स का मालिक बन जाओगे, 3 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना? और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये मिलेगा कितना, 2 मार्क्स मिलेगा, क्लियर है ना? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि हमको इधर जगह हो सकता है मिले बनाने के लिए। चलिए आइए, आपको देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, इज एन इरेशनल या फिर इरेशनल नंबर, जो भी है क्वेश्चन, देखिए इसको प्रूव करना है। तो सिंपल उसी तरीके से चलना है जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे चलने के लिए। देखिए आइए, सॉल्यूशन यहाँ क्या करेंगे, है ना, यहाँ सॉल्यूशन हमारा क्या होगा कि 3 प्लस टू रूट फाइव, है ना, इज एन इज अ रेशनल नंबर, है ना, लेट कर लेंगे, लेट 3 प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमने क्या सपोज कर लिया कि 3 प्लस टू रूट फाइव जो है रेशनल नंबर है। जब रेशनल है तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 प्लस टू रूट फाइव इक्वल टू ए होगा, क्योंकि रेशनल के बारे में हम जानते हैं कि अगर 5 भी है तो रेशनल है, और 5 बाई 2 भी है तो रेशनल है। नीचे में तो 5 है अगर लिखा हुआ कहीं, तो हम 5 बाई 1 लिख सकते हैं ना, p by q का फॉर्म ले लिया। कहीं 5 by 2 है, ये ऑलरेडी p by q का फॉर्म है, इसको हमने बना दिया 1 डाल करके। यहां भी अगर चाहोगे तो आप a by b भी ले सकते हो, आप सिंपली a भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि एक स्टेप में क्वेश्चन बनता है, इसमें कहीं कॉमन वन निकालना नहीं होता है हमको, ठीक है, आराम से डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो आइए, तो हमने क्या सपोज किया कि 3 प्लस टू रूट फाइव इक्वल टू हमने ए सपोज किया, और ये क्या हो गया, रेशनल के कारण हमने ये लिया है, ठीक ना। आइए, आपको बच्चों यहां से एक काम करना है, वही एक बात मैं बताने वाला हूं, देखिए ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है ना, रूट वाला को एक साइड रखना है, जो भी डाटा रूट में रहेगा हमारा क्वेश्चन में, डाटा जो है रूट में रहेगा उसको एक साइड रखेंगे, एलएचएस या आरएचएस जिधर भी रखना मन करे उधर, और जो रूट के नहीं, रूट नहीं है, जो इंटीजर है उसको एक साइड रखेंगे, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट वाले को एक साइड, रूट वाले को एक साइड रखना, हर क्वेश्चन में ये करना है आपको, हर क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए मैं करता हूं, देखिए आपको मैंने क्या बोला है, रूट वाले को एक साइड, फिलहाल रूट अभी टू रूट फाइव में है ना, तो टू रूट फाइव में है, तो हम टू रूट फाइव को क्या करते हैं, अपने साइड रखते हैं, और थ्री को उस साइड भेज देते हैं, ए माइनस थ्री हो जाएगा। अब देखिए अभी भी हमारे पास क्या है, टू बचा हुआ है, कॉन्स्टेंट इंटीजर है अभी हमारे पास, तो हम रूट फाइव को अपने पास रख के और टू को उधर भेज दे, ए माइनस थ्री बाई टू, बस यही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में रूट को एक साइड, बाकी इंटीजर को एक साइड, बस यही काम करना है, और उसको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, थोड़ा सा, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सिंस, यहां से लिख देंगे सिंस ए थ्री टू आर इंटीजर, आर इंटीजर क्या है हमारे, इंटीजर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस थ्री बाई टू इज रेशनल, एंड रूट थ्री सॉरी रूट फाइव इज रेशनल, क्या हो गया, रेशनल हो गया, है ना, ये रेशनल है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, है ना, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल है, अभी तो रूट फाइव क्या है, इरेशनल, ठीक। तो यहां
यहां से एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, फिर से पैदा हो गया। भाई रूट फाइव हम जान रहे हैं इरेशनल है, हम कह रहे हैं रेशनल है, ऐसे कैसे? रूट फाइव क्या है? इरेशनल है। जब ये इरेशनल है और ये क्या है? ये तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर पी वाई की का फॉर्म है ना। तो एक इरेशनल और एक रेशनल कभी भी इक्वल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। एक रेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो आपको यहां से लिखना होगा है ना, बट है ना दिस कॉन्ट्राडिक्शन या दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, वही लैंग्वेज लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट है ना रूट फाइव इज इरेशनल। क्या है? इरेशनल। सो क्या हो जाएगा? वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड करेंगे है ना, वी कंक्लूड दैट वी कंक्लूड दैट 3+2√5 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि 3+2√5 क्या होगा? इरेशनल। समझ रहे बात को है ना? रूट फाइव के बारे में हम क्या जान रहे हैं? वो इरेशनल है। और इधर क्या मिला था? a माइनस 3/2 वो जान रहे हैं रेशनल है। कभी भी रेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है ना, कभी भी रूट फाइव रेशनल नहीं हो सकता है। हम इस बात को जान रहे हैं कि रूट फाइव एक रेशनल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं रूट फाइव, हम लोग सपोज किया किए हैं कि रूट फाइव एक रेशनल है, कैसे हो सकता है ये? कभी कॉन्ट्राडिक्शन ये आ रहा है ना, एक दुविधा पैदा हो रहा है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दुविधा पैदा हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने सपोजिशन गलत किया था। वो क्या है? इरेशनल है, हमने मान लिया रेशनल है, ऐसा कैसे होगा? तो ये है ना, तो वी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। क्लियर है? इस तरह से तो आपको मैंने समझाया। आप देखिए मैं कहां कहां मिटाता हूं, आप देखिएगा ठीक है ना। मैं मिटाऊंगा यहां पे समझिएगा, और मैं मिटाऊंगा यहां पे ठीक है। बात इतना मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब इधर तो करना ही करना है ना, क्वेश्चन है। देखिए ठीक है ना, इधर मैंने हटा दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। सॉल्यूशन कितना आप दे रहे हैं? थर्ड दे रहे हैं। थर्ड में कहता है कि 1/√2 तो 1/√2 तो इसको हम लोग सपोज करेंगे कि 1/√2 क्या होगा? एक रेशनल होगा। 1/2 जब रेशनल होगा तो इसका मतलब ये a के इक्वल होगा। दोनों को इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स अगर करेंगे ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स करने के बाद √2 = 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब वो ये जब आ गया रूट एक साइड और इंटीजर एक साइड, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1, a और इंटीजर, तो क्या हो जाएगा? 1/a इज रेशनल। यहाँ हो जाएगा √2 रेशनल, यहाँ रूट फाइव था, इसको हटाइए है ना। क्या है? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि 1/√2 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल हो जाएगा। समझ रहे बातों को है ना। बस आपको कुछ ही कुछ जगह क्या करना है, हमेशा इसमें मिटाना है। यहाँ पे मैं रेड पेन से घेर देता हूं, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, 7√ क्या है? 5 है, 7√5 है, इसको मैं हटाता हूं ठीक है, यहां पे, यहां पे, यहां, यहां और फाइनली यहां ठीक है बच्चों। और इसको तो हटाना ही हटाना है आपको, इसमें तो अब यहां भी हम फिर से क्या करेंगे, वही काम करना है। क्या है? 7√5 है ना, ये 3 का 2 नंबर क्वेश्चन अब होगा। 7√5 है, 7√5 को हमने क्या सपोज कर लिया? रेशनल। तो 7√5 किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल होगा,
और जब a का इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे, रूट फाइव इक्वल टू ए बाई सेवन, तो यहाँ क्या लिखेगा a सेवन आर इंटीजर, इसका मतलब a बाई सेवन इज रेशनल एंड रूट फाइव है, रूट फाइव इज रेशनल। ठीक, यहाँ पर क्या लेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं फैक्ट ये है कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल है, तो इसका मतलब वी कंक्लूड दैट यहाँ हो जाएगा सेवन रूट फाइव इज इरेशनल, सेवन रूट फाइव इज इरेशनल। क्या हमको भरने की जरूरत है, आप लोग कर लोगे, ये जरूरी है, प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, मेरा नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा काम करेगा, है ना। फिर एक क्वेश्चन और, सिक्स प्लस रूट टू देखिएगा, सिक्स प्लस रूट टू है ना, तो सिक्स प्लस रूट टू है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, थर्ड नंबर है ना, थ्री का थर्ड, सिक्स प्लस रूट टू ये रेशनल होगा, तो रेशनल अगर होगा तो ये ए का इक्वल होगा, और ए का इक्वल होगा तो रूट टू इक्वल टू ए माइनस सिक्स होगा, रूट टू इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस सिक्स, इसका मतलब a और 6 ये लास्ट वाले के लिए भर देते हैं, a और 6 क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब a माइनस सिक्स क्या होगा, रेशनल, इधर से रूट टू भी क्या हो जाएगा, रेशनल, रेशनल का इक्वल रेशनल, लेकिन असली बात वो नहीं है, असली बात ये है कि हम लोग क्या जानते हैं, रूट टू ए इरेशनल, तो भाई रेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकता है, इसी कारण से बोलते हैं क्या क्या था, सिक्स प्लस रूट टू, सिक्स प्लस रूट टू क्या हो गया है, इरेशनल नंबर होता है। तो बात हमको लगता है क्लियर हुआ होगा, है ना। तो बच्चों आप सब क्या करना है कि आपको जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस पर सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और सिंगल वाला प्रूफ करने के लिए आएगा इरेशनल, तो वो क्या रहेगा, थ्री मार्क्स का रहेगा, ठीक ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल लेकर के आपके सामने, पॉलिनोमियल का मैं सारा एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट कराऊंगा धीरे धीरे, है ना, और आप लोग उसको देखेंगे। ओके, तो मेरा ये पूरा तरह से विश्वास है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी को इस तरह से बनाएं, इस तरह से एकदम बनाएं कि जैसे हाथ पर चीनी रखते हैं ना, हाथ पर चीनी, चीनी समझते हैं, शुगर, शुगर, हाथ पर शुगर रखते हैं और उसको ऐसे करके चाटते हैं ना, हम लोग हाथ में लगता है थोड़ा अच्छा लगता है, तो वैसे जैसे चाटते हैं ना, उसी तरह से आपको एनसीईआरटी को चाट जाना, पूरा चाट जाना। अगर पूरा आप चाट गए तो आपको 80% मार्क्स कोई नहीं काटने जा रहा है, 80-85% मार्क्स कोई नहीं काटेगा, एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट रहता है। आप कहेंगे सर 50% किधर से मिलेगा, तो 50% के लिए आपको एग्जाम्पलर बनाना होगा, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर बुक आता है, उसको आप बनाओ, एग्जाम्पलर बनाओगे तो पूरी तरह से ये कंप्लीट होगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं इसी का 1.4 के बाद हम लोग पॉलिनोमियल में, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।